डूबता सूरज। एक लेखक फिल्मकार होने के नाते मैं इसे अपने ढंग से देख रहा था और मेरा बेटा इसे अपने ढंग से देख रहा था। दरअसल खूबसूरत हादसे अक्सर अचानक होते हैं। मेरी नज़र एक प्रतिभाशाली हसीना पर क्या पड़ी, नई लिखी फिल्म की हीरोइन मिल गई। ए शीशे, इतना भी झूठ मत बोलो तुम, मैं सब जानती हूँ, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ जितना तुम बता रहे हो। हेलो, ये लड़की बॉर्न आर्टिस्ट थी मेरे बेटे की तरह। आई लव म्यूजिक, म्यूजिक मेरी जिंदगी है, मेरा उठना बैठना खाना पीना सब म्यूजिक ही तो है। इसे हीरोइन बनाना है ये ठान लिया और इसे पंख दिए। ऐसे इसने ऐसी ऊंची उड़ान भरी कि लोग देखते रह गए। सोते हुए सपनों में संगीत घूमता है और जागते हुए संगीत के सपने। मेरा ड्रीम हाउस तो वो होगा जहाँ हर जगह संगीत ही संगीत होगा, हर जगह साज ही साज और मधुर संगीत और आवाज। सपने अपने बेटे के सुनता और उसकी उड़ान में भर देता। लेकिन सपने पूरे होने पर ना बदलाव भी आता है और वो बदलाव आना शुरू। भाई अच्छा लगता है जब तुम्हारे बारे में लोग पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, महेश का फोन आया होगा, उसने एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया होगा तुमसे, तो तुमने क्या डिसाइड किया है? सारी खबर रखते हैं, कौन बात कर रहा है, कौन अप्रोच कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट है। आपने मुझे रास्ता दिखाया है, इसके लिए शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। पर मुझे लगता है कि अब मुझे अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। गुड, लेकिन इस सडन डिसीजन के पीछे कोई खास वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी हूं कि अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो शीशे की दीवार से खड़ी हो गई थी हमने। कुछ ज्यादा रूखा स्वभाव नहीं हो रहा है तुम्हारा? कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे आजकल आप मेरी लाइफ में? डूबते सूरज की तस्वीरें खींचना, वीडियो बनाना तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। पर यकीनन आप चढ़ते सूरज को ही सलाम करते होंगे। क्यों, कोई गुनाह करता हूँ? ढलते सूरज को रोशनी का नहीं रात का इंतजार करना चाहिए। उसके नसीब में तो जाननी भी नहीं होती। बात मेरी नहीं, उसके घमंड की थी, ये मजाक नहीं था। आपको क्या लगता है कि आप जब बुलाएंगे जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, जब कहेंगे जो कहेंगे मैं करूंगी? मैं कोई आपकी बांदी नहीं हूं, आखिर मेरी भी कोई सेटिस्फेक्शन है। लगा सपनों की सफलता सर चढ़ गई और घमंड ने उड़ान भर ली। मैंने धारणा बना ली कि कलाकार घमंडी होता है। अब फिक्र मुझे अपने बेटे की होने लगी। अरे मैं तो म्यूजिक के लिए पैदा हुआ हूँ, हर पल म्यूजिक में जीने के लिए। इंडियन सूफी क्लासिकल वेस्टर्न, म्यूजिक ही म्यूजिक, म्यूजिक ही म्यूजिक। उसे तो म्यूजिक के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। संगीत मुझे काट खाने पर दौड़ता, मुझे चुभने लगता, उसके अहम का डर मुझे सताने लगा। मैंने उसे किसी भी तरह की कला से दूर रखने का मन बना लिया था। पर ढलता सूरज सागर को भी अपने रंग में ढल लेता है। ये बात मुझे तब समझ आई जब उसे मेरी फिर जरूरत पड़ी। मुझे कॉल करती, मैसेज करती, बार बार बुलाती, मेरा इंतज़ार करती, दरवाजे की ओर देखती और मेरे ना पहुंचने पर उसे परेशान देखकर दिल को सुकून सा मिलता। लेकिन नहीं, और तंग करना जायज़ ना था। अगर आज भी नहीं आए ना तो कल सुबह पक्का अखबार में वांटेड की ऐड दे दूंगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ गया।
थोड़ा झगड़ा। आप कुछ ज्यादा भाव नहीं खा रहे? कितने कॉल किए मैंने आपको और हर रोज मैसेज कर आ जाती हूँ यहाँ पर आपका कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा तुम्हें अब ढलते सूरज की कहाँ जरूरत होगी। तो अभी तक आप इसी बात से नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है, तुम्हें अपने डिसीजंस लेने का हक है। मुझे भी लगा कि शायद मैं ज्यादा इंटरफेयर कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में। थोड़ा किस्सा सुना। दरअसल महेश ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, ये बात मुझे बाद में पता चली कि इस बात में सिर्फ उसका अपना स्वार्थ है। इस लाइन में बहुत से अच्छे लोग हैं और बहुत से बुरे भी, और मुझे अच्छे बुरे की फर्क नहीं है। थोड़ी अपनेपन वाली नाराजगी, फिर सब कुछ वैसा ही। मुझे कोई क्या कहता है इससे असर नहीं पड़ता। मुझे तुमने गलत समझा, ये बुरा लगा। उसके माफी मांगते ही सब नॉर्मल हो गया और फिर शुरू हो गई चुगलियां। पर फिर बारी थी अपनी भूल की सुधार की। बेटा सुनो, बेटा तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो? चाहते हो? अच्छा देखो, बात सुनो, तुम मुझे डूबता सूरज तो नहीं कहोगे ना? शायद यहां सब ठीक हो गया। बात उस हीरोइन के अहम की थी या मेरे अपनी होंद की, ये मुझे पता हो ना हो, डूबते सूरज का महत्व मेरा बेटा समझ गया।